फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ऑल इन वन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ कुछ फेस्टिवल्स आते हैं तो हम उन फेस्टिवल्स पर आमतौर पर बस हम पूजा तो कर लेती हैं। खास करके मेरे जितनी उम्र की जब औरतें हो जाती हैं उनको यह लगता है कि पूजा तो कर लेते हैं लेकिन तैयार कौन हो उसके लिए बड़ा जोर आता है। तो किटी पार्टी की जब हम फ्रेंड्स मिल जाती हैं और हम अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और हम सब उसमें इस तरह से कर सकते हैं कि सभी औरतें तैयार होकर के अपना अपना फोटो शेयर करेंगी। अब जब सबको एक बहाना मिल जाएगा कि हमें अपनी फोटो शेयर करनी है तो हमें भी अच्छा दिखना है, तो वो इस बहाने तैयार हो सकती हैं। और वो जब अच्छे से तैयार होकर के और उसमें हम अपना एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी रख सकती हैं कि हम सब औरतें फर्स्ट या सेकंड विनर को प्राइज भी देंगे। तो उस हिसाब से हम और अपने आप को मेंटेन करेंगे, तैयार होंगे, हर फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो यह है ना किटी का बहुत बड़ा फायदा। तो चलिए बाकी फायदे अगले वीडियो में। आज है अपना गेम। इस गेम की प्रिपरेशन के लिए सपोज हमारे पास ये 12 मेंबर्स हैं, इन सभी के नामों की चिट मैंने यहाँ रख दी है। आपको इस तरह से चिट नहीं बनानी है, आपके पास क्योंकि मेंबर्स होंगे तो आपको सभी मेंबर्स को एक एक चूड़ी दे देनी है। सभी मैंने इसके ऊपर नामों के ऊपर रख रही हूँ, आपको इस तरह से ऊपर कुछ नहीं रखना है क्योंकि हर मेंबर को एक एक चूड़ी दे देनी है। अब सभी मेंबर्स को एक एक चूड़ी दे दी है और अब हम एक डाइस लेंगे और किसी भी एक मेंबर से, मान लीजिए डॉली से मैंने इसको शुरू किया है तो हमारा सर्कल भी डॉली पर ही आकर वापस ख़त्म होगा। तो सबसे पहले डॉली ने ये डाइस चला और उसके 6 आए, तो इसको डॉली को भी एक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 नंबर पर टीना है तो टीना से ये एक चूड़ी ले लेगी। अब टीना के पास कोई चूड़ी नहीं है लेकिन टीना को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब टीना का नंबर आएगा तो उसके पास भी चूड़ी आ जाएगी। अब 1 आया और ये शिफा ने चली थी तो शिफा की चूड़ी शिफा के पास ही रहेगी, इसे कुछ नहीं मिलेगा। 3 आया, शायल ने चला था, 1 2 3, अब रेनू से एक चूड़ी लेकर के वो शायल को मिल जाएगी। 3 आया, इसने चला था, 1 2 3, टीना के पास क्योंकि कोई चूड़ी नहीं है तो इसलिए इसे कोई चूड़ी नहीं मिलेगी। 3 आया, 1 2 3, अब इससे इसको एक चूड़ी मिल जाएगी। अब टीना चलाएगी, 1 2, रीना के पास क्योंकि कोई चूड़ी नहीं है तो इसे नहीं मिलेगी। 1 2 3, नेहा से ये चूड़ी टीना को मिल जाएगी। 3 1 2 3, नेहा के पास फिर चूड़ी नहीं है, इसे नहीं मिलेगी। अब प्रिया चलाएगी, प्रिया 1 2 3, मीनू से एक चूड़ी प्रिया को मिल गई। 2 1 2, मीनू के पास कोई चूड़ी नहीं है पहले ही। 5 1 2 3 4 5 5, शिफा से एक चूड़ी मीनू को मिल गई। 1, ईशा ने चला और ईशा की चूड़ी ईशा के पास ही रह गई। 1, संगीता की चूड़ी भी संगीता के पास रह गई। और डॉली से क्योंकि हमने इस गेम को शुरू किया था तो अब हमारा 1 सर्कल कंप्लीट होता है। लेकिन अब जिन जिन मेंबर के पास कोई चूड़ी नहीं है वो इस गेम से आउट हो जाएंगे। ये 3 मेंबर इस गेम से आउट हो गए। अब दोबारा से सर्कल चलेंगे, अब वापस से डॉली से शुरू करते हैं इस सर्कल को। अब डॉली डाइस रोल ऑन करेगी, 5 1 2 3 4 5, टीना से एक चूड़ी इसे मिल गई। 6 1 2 3 4 5 6, 5 1 2 3 4 5 5, इसके पास चूड़ी नहीं है। 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, फिर इसके पास चूड़ी नहीं है। 2 1 2, इसके पास भी नहीं है। 1, इसकी रेनू की चूड़ी रेनू के पास ही रह जाएगी। 3 1 2 3, फिर नहीं है। 6 1 2 3 4 5 6, शायल की चूड़ी इसके पास आ गई। 4, प्रिया ने चला, 1 2 3 4, संगीता की चूड़ी इसके पास आ गई। 1 1, मीनू के पास कोई चूड़ी नहीं है, ईशा की चूड़ी ईशा के पास रह गई। संगीता को 4 आया, 1 2 3 4, तान्या की चूड़ी संगीता के पास आ गई। तो अब फिर से हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब ये 2 मेंबर और आउट हो गए। अब इतने मेंबर्स में गेम खेलेंगे और इस तरह से खेलते हुए जिस मेंबर के पास सबसे लास्ट में सब चूड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी वो इस गेम का विनर होगा। वन क्योंकि इसी के पास है, नहीं आया। रेनू, टीना के पास 1 आया, फिर नहीं हुआ। प्रिया के पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी कुछ नहीं है। 3 1 2 3,
संगीता के पास वन और फिर से सर्कल कंप्लीट हो गया और फिर ये दो मेंबर आउट हो गए। इस तरह चलते हुए जिस मेंबर के पास सबसे ज्यादा चूड़ियां इकट्ठी होंगी वो इस गेम का विनर होगा। तो चलिए अब जैसे सपोज सारी चूड़ियां हमारी डॉली के पास इकट्ठी हो गई और प्रिया के पास इतनी चूड़ियां आई, तो अब हम देखेंगे कि किसके पास ज्यादा चूड़ियां आई हैं। जैसे इसके पास 5 है और इसके पास 7 है, तो डॉली फर्स्ट विनर हुई और प्रिया सेकंड विनर हुई। तो कैसा लगा आपको मेरा ये गेम? अगर आपको मेरा ये गेम पसंद आया हो तो मेरे गेम को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।